सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ब्लैक विडो वर्सेस डिज्नी के बारे में। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ स्कारलेट जोहानसन के बीच में और डिज्नी कंपनी के बीच में क्या ड्रामा चल रहा है। इसके अलावा आखिर स्कारलेट जोहानसन ने डिज्नी के ऊपर केस क्यों किया है, इसके अलावा डिज्नी का क्या रिस्पॉन्स आया है उसके ऊपर, इन सब चीजों के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। सो अगर आपको भी इस ड्रामा के बारे में सब कुछ जानना है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहो। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्कारलेट जोहानसन के बारे में। तो स्कारलेट जोहानसन जो कि एमसीयू में ब्लैक विडो का रोल प्ले करती है, उन्होंने बेसिकली डिज्नी को स्यू कर दिया क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट में, यानी कि उनके ब्लैक विडो कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ था कि ब्लैक विडो सिर्फ थिएटर्स में रिलीज होगी। और क्योंकि ब्लैक विडो सिर्फ थिएटर्स में रिलीज नहीं हुई बल्कि ब्लैक विडो डिज्नी प्लस पर भी रिलीज हुई, तो इसके कारण स्कारलेट जोहानसन को कुछ नुकसान हुआ जिसके कारण उन्होंने डिज्नी को स्यू कर दिया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर ब्लैक विडो थिएटर्स में रिलीज होती तो उसका कुछ परसेंटेज स्कारलेट जोहानसन के पास भी जाता। तो वैसे अभी भी थिएटर्स में ब्लैक विडो रिलीज हुई है पर डिज्नी प्लस के कारण स्कारलेट जोहानसन को ऐसा लगता है कि उन्हें नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ डिज्नी का यह कहना है कि स्कारलेट जोहानसन के केस में कोई भी मेरिट नहीं है और उनका यह कहना है कि उन्होंने स्कारलेट जोहानसन को पहले से $20 मिलियन दिए थे। इसके अलावा थिएटर से कट अभी भी स्कारलेट जोहानसन को मिल रहा है, भले कितना ही मिल रहा हो पर मिल रहा है। इसके अलावा डिज्नी प्लस हॉटस्टार से रिलेटेड भी डिज्नी और स्कारलेट जोहानसन के बीच में डील हो चुकी है, इसलिए बेसिकली डिज्नी ने स्कारलेट जोहानसन के केस को बिल्कुल ही बेसलेस बोल दिया है और अब स्कारलेट जोहानसन और डिज्नी इस चीज को कोर्ट के अंदर सेटल करेंगे। सो अगर मैं आपको इस चीज को और अच्छे से समझाना चाहूँ तो मैं एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। लेट्स से कि स्कारलेट जोहानसन को ब्लैक विडो मूवी बनाने के लिए सिर्फ $20 मिलियन डिज्नी ने दिए। इसके अलावा मान लीजिए कि पैंडेमिक नहीं हुआ होता, अब ब्लैक विडो अपने समय पर निकली होती तो ब्लैक विडो कम से कम बॉक्स ऑफिस में 700 मिलियन से लेके 800 मिलियन तक कमाती या फिर उससे ज्यादा भी कमा सकती थी। तो अगर स्कारलेट जोहानसन को इसका 10% मिलता तो स्कारलेट जोहानसन को कम से कम 70 मिलियन या फिर $80 मिलियन सिर्फ फिल्म के बॉक्स ऑफिस से ही मिल जाता, जिसके बाद स्कारलेट जोहानसन का इन टोटल प्रॉफिट कम से कम $100 मिलियन के आसपास होता। पर क्योंकि ब्लैक विडो सिर्फ थिएटर्स में रिलीज नहीं हुई और वो डिज्नी प्लस पर रिलीज हुई तो आई थिंक स्कारलेट जोहानसन को नुकसान हुआ होगा करीबन 20 से 30 मिलियन डॉलर के आसपास का, क्योंकि स्कारलेट जोहानसन को $20 मिलियन तो पहले मिला। उसके अलावा ब्लैक विडो ने अभी रिसेंटली शायद $400 मिलियन के आसपास का बिजनेस किया है, इसका मतलब $40 मिलियन वहां से स्कारलेट जोहानसन को मिला। इसके अलावा डिज्नी ये भी कह रही है कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार के लिए भी स्कारलेट जोहानसन से उन्होंने एक डील किया है, तो ऐसा हो सकता है कि डिज्नी ने एडिशनल 20 मिलियन उन्हें दिया हो, तो इन टोटल स्कारलेट जोहानसन को $80 मिलियन मिले इस सिनेरियो में। पर अगर मूवी सिर्फ थिएटर्स में रिलीज हुई होती तो स्कारलेट जोहानसन को हो सकता था कि $100 मिलियन या फिर उससे ज्यादा कभी प्रॉफिट हो सकता था। तो बेसिकली इन्हीं पैसों के डिफरेंस के लिए स्कारलेट जोहानसन ने डिज्नी के ऊपर केस किया है और अब तो ये कोर्ट में ही डिसाइड होगा कि स्कारलेट जोहानसन को उनके बाकी के पैसे मिलते हैं या नहीं। बाकी आई पर्सनली थिंक कि अगर स्कारलेट जोहानसन को लगता है कि उन्हें कम पैसे मिले हैं तो उन्हें डेफिनेटली केस करना चाहता है डिज्नी के ऊपर, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। पर दूसरी तरफ पैंडेमिक भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण सबको सेम प्रॉफिट नहीं हो सकता है, ये भी स्कारलेट जोहानसन को समझना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी अब ये केस कोर्ट में ही सॉल्व होगा, इसके ऊपर कुछ और अपडेट्स आता है तो मैं वीडियो बना के आपको बता दूंगा। बाकी आप इस केस के बारे में क्या सोचते हो ये बात मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।